गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है कि आप लोगों के स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज मेरा फर्स्ट वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिससे अपन अपना कोर्स स्टार्ट करें करना, बिकॉज़ हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे हमारा कोर्स पीछे चला जाएगा, इसलिए हम उसको मेंटेन करने के लिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेटा मैं सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल की टीचर हूँ। हम लोगों के स्कूल में लर्न वेल पब्लिकेशन की हाईटेक वर्ल्ड नाम से बुक चलती है, जो कि विंडोज 7 विथ MS Office 7 का वर्जन है, जो कि किस पे बेस्ड है, बुक हमारी विंडोज 7 पे बेस्ड है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8 में बच्चे फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा डीलिंग विथ कंप्यूटर वायरस। फर्स्ट चैप्टर कौन सा होता है हमारा? डीलिंग विथ कंप्यूटर वायरस, मीन्स कि हाउ कैन वी डील विथ कंप्यूटर वायरस। देखो आप लोगों को सबको पता है, इस चैप्टर को मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेट करके पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों को सबको पता है कि जो हमारा वायरस है, कोरोना वायरस, बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस टाइम पे। वायरस क्या होता है? उसका रिप्लिकेट होता है, फैलता है। वायरस क्या होता है? रिप्लिकेटेड होता है, मीन्स उसकी कॉपीज़ बनती हैं, वो फैलता है। इसी तरह से कंप्यूटर वायरस होता है सेम। अगर वो एक बार कंप्यूटर के अंदर चला जाता है कोई वायरस किसी हार्ड ड्राइव के थ्रू, तो वो क्या होता है हमारा? फैलता है। कंप्यूटर में क्या होता है बेटा? वायरस फैलता है, रिप्लिकेट होता है, उसकी कॉपीज़ बनती जाती हैं, ठीक है। अगर आप उसमें नेक्स्ट पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव कुछ भी लगाते हैं तो वो उसमें भी आ जाता है वायरस। इतना क्लियर हुआ सबको? जैसे कोरोना वायरस है, अगर किसी को कोरोना वायरस है, सपोज पर्सन ए हैव कोरोना वायरस, पेशेंट ए पर्सन है कोई, उसको कोरोना वायरस है, लेकिन अगर उसका बी पेशेंट टच कर देता है तो बी को भी हो जाता है, सेम वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। Now we can start our topic. Nowadays, computer virus is one of the biggest problem for computer users. देखिए computer virus क्या है? एक बहुत बड़ी problem है computer users के लिए। Every day new virus is generated. अब क्या होता है, daily क्या हो रहा है computer के? new viruses generate हो रहे हैं और difficult है। क्या है? difficult है, किस लिए? यूज़र्स के लिए, कि अपग्रेड करना, उनसे रिलेटेड करते हुए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, क्या है? एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उसी चीज़ को लिए हम लोग ये चैप्टर रीड करने वाले हैं। एक्चुअली वायरस कभी भी अपने आप नहीं बनते हैं। वायरस क्या होते हैं? मैनमेड होते हैं, इंसान उन्हें बनाते हैं। जैसे कोरोना वायरस को भी बनाया गया है, इसी तरह से जो हमारे कंप्यूटर वायरस होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, रिप्लिकेट होते हैं। एक बार बनाना होता है एक वायरस को, उसके बाद में वो रिप्लिकेट होता है। ऐसा तो है नहीं कोरोना वायरस नंबर जितने पेशेंट है हर में अलग अलग डाला गया, नहीं, वो एक दूसरे को टच करने से फैलता है, हवा से फैलता है, एयर से फैलता है। और किसी अगर अपन ने लकड़ी को टच किया, वुडन पीस को, और उस पर कोरोना वायरस था, तो उससे भी वो हमारे अंदर आ जाता है। तो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे मैनमेड होते हैं कंप्यूटर वायरस भी, और उनको अपग्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब कोरोना वायरस आया बेटा, तो उससे रिलेट करता हुआ एंटीवायरस नहीं बना अभी तक भी। आई थिंक मार्च में इंडिया में आ गया था कोरोना वायरस, और दिसंबर में चाइना में आया था, चीन में, लेकिन अभी तक भी उसका एंटीवायरस नहीं मिल पाया। सेम इसी तरह कंप्यूटर वायरस में होता है, जब ये क्रिएट हो जाते हैं तो इनका एंटीवायरस मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बनाना पड़ता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। इससे पहले अपन एक देख लेते हैं वायरस टर्म जो होती है उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। किसका बेटा? वायरस टर्म का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, पहले हम ये देख लेंगे कि जो हमारी टर्म है वायरस, उसका मीनिंग क्या। वायरस स्टैंड्स फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर CIs। देखिए वी फॉर विटल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्सेज, यू मीन्स अंडर, एस मीन्स आइज। तो वायरस स्टैंड्स फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर CIs। ये इतना क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है बेटा। कंप्यूटर वायरस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या है ये? एक डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑल कंप्यूटर वायरसेज आर मैन मेड। जितने भी हमारे कंप्यूटर वायरसेज हैं वो क्या हैं? मैन मेड हैं। दीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। किसके थ्रू होंगे? डिस्क के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ईमेल लिंक के थ्रू। किस किस के थ्रू हो सकते हैं? देखो कोई डिस्क के थ्रू, जैसे पेन ड्राइव लगा दें अपन, या फिर अपन CD अटैच कर दें तो डिस्क के थ्रू। नेटवर्क्स के थ्रू मीन्स वायरिंग के थ्रू, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में कनेक्ट कर रही हूँ, आइदर इन वायर्ड मोड और इन वायरलेस मोड। बट सपोज ए कंप्यूटर है वह वायरस, ए कंप्यूटर के पास में क्या है? वायरस है, और बी के पास में नहीं है। अब यदि लेकिन मेरा जो ए कंप्यूटर है उसके पास में वायरस है, उसकी कोई फाइल में
बी कंप्यूटर को अगर सेंड करूँगी तो वो वायरस कहाँ आएगा, मेरा बी कंप्यूटर के पास भी आ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से नेटवर्क के थ्रू वायरस फैलता है। ईमेल लिंक्स के थ्रू, सपोज़ मैंने कोई ईमेल का लिंक आपको भेजा और आपने उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके अंदर मैंने क्या था, हिडन फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में वायरस का भी क्या था, इनक्रिप्टेड था पार्ट, तो आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक कर जाएगा। कंप्यूटर वायरस में करप्ट और डिलीट होना कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर वायरस तो एंटर हो गया, अब कंप्यूटर वायरस करता क्या है? कहता है बेटा कंप्यूटर वायरस करप्ट कर देता है, किसको करप्ट करता है, डेटा को, और डिलीट कर देता है डेटा को। इट मे इवन डिलीट एवरीथिंग, ये यहाँ तक कि कुछ भी डिलीट कर सकता है, हार्ड डिस्क को भी डिलीट कर सकता है, एंड कैन इंटरफेयर विद कंप्यूटर ऑपरेशंस, और इंटरफेयर किसके साथ में करता है, ये कंप्यूटर ऑपरेशंस के साथ में। सम वायरसेस रिमेन एक्टिव, कुछ वायरसेस क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं इवन वेन यू शट डाउन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो उस टाइम भी वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को अगर शट डाउन कर देंगे तो उसके बाद में वो वायरसेस जो हैं हमारे एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो सम वायरसेस रिमेन एक्टिव इवन व्हेन यू शट डाउन द कंप्यूटर, व्हाइल सम बिकम एक्टिव ओनली व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड और यू हैव स्टार्टेड योर कंप्यूटर फ्रॉम अ डिस्क दैट इज इन्फेक्टेड सिस्टम फाइल्स। देखिए कुछ वायरस तो क्या है, हमने कंप्यूटर को शट डाउन करा तो भी एक्टिव है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि सपोज मेरे कंप्यूटर में कोई एक फाइल है कंप्यूटर वायरस नेम से, तो जब भी मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगी कंप्यूटर वायरसेस नेम की तभी क्या होगा, एक्टिव होगा। इतना क्लियर है? उसके बाद में आते हैं अपन, इट मे इवन डिलीट एवरीथिंग, और क्या करते हैं वायरस एक्टिव होने पर, ये डिलीट कर देते हैं सब कुछ को, किसके ऊपर से, हार्ड डिस्क के ऊपर से, एंड कैन इंटरफेयर विथ कंप्यूटर ऑपरेशंस, और इंटरफेयर करते हैं कंप्यूटर ऑपरेशंस के साथ में। सम वायरसेस रिमेन एक्टिव व्हेन यू शट डाउन द कंप्यूटर व्हाइल सम बिकम एक्टिव ओनली व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड और यू हैव स्टार्टेड योर कंप्यूटर फ्रॉम अ डिस्क दैट हैज इन्फेक्टेड सिस्टम फाइल्स। वंस अ वायरस इज एक्टिव इट लोड्स ऑन टू द कंप्यूटर्स मेमोरी, एक बार यदि हमारा वायरस एक्टिव है तो वो कहाँ लोड होगा बेटा, कंप्यूटर की मेमोरी में, एंड इज सेव्ड देयर, और वहाँ पर वो सेव रहता है। इट देन रिप्लीकेट्स, और क्या होता है, रिप्लीकेट होता है इन योर हार्ड ड्राइव, अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसमें रिप्लीकेट होगा, या फिर अपने जो एप्लीकेशन है उसमें रिप्लीकेट होगा, या फिर अपने जो सिस्टम फाइल्स हैं उनमें रिप्लीकेट होगा ऑन द डिस्क यू यूज। देखिए क्या होता है, एक बार यदि वायरस एक्टिव हो जाए तो ये क्या हो जाता है, लोड हो जाता है कंप्यूटर मेमोरी में और सेव हो जाता है, और क्या होता है, रिप्लीकेट कहाँ होता है, अपनी हार्ड ड्राइव में, अपनी एप्लीकेशन में या सिस्टम फाइल्स में। मेनली थ्री पार्ट पे ये रिप्लीकेट होता है। रिप्लीकेशन का मतलब होता है कि वो खुद की ही अपनी कॉपीज बना लेता है। क्या होता है बेटा रिप्लीकेशन का मतलब, वो खुद की ही अपनी एक कॉपी क्रिएट कर लेता है। वायरस जो है वो क्या करेगा, खुद की ही कॉपी क्रिएट कर लेगा, मेक कॉपीज ऑफ इट्सेल्फ, ये होता है हमारा रिप्लीकेशन का मतलब। और मेनली थ्री जगह ये क्या होता है, रिप्लीकेट होता है। फर्स्ट होता है हार्ड ड्राइव, सेकंड होती है एप्लीकेशन, थर्ड होती है हमारी सिस्टम फाइल्स, ठीक है। सम वायरसेस आर प्रोग्राम्ड स्पेसिफिकली टू डैमेज द डेटा ऑन योर कंप्यूटर। अब कुछ वायरसेस कैसे प्रोग्राम्ड किए जाते हैं स्पेसिफिकली डैमेज करने के लिए कंप्यूटर के डेटा को। मैनी वायरसेस आर नॉट वेरी हार्मफुल, अधिकतर वायरस ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, एज दे ओनली डिस्प्ले अ मैसेज और प्रोड्यूस साउंड। ये केवल क्या करते हैं, स्क्रीन पे या तो मैसेज डिस्प्ले करते हैं या फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी ये एक्टिव होते हैं। जब कब प्रोड्यूस करेंगे साउंड को और मैसेज कब डिस्प्ले करेंगे, जब ये एक्टिव होंगे, ठीक है। अदर वायरसेस मेक योर कंप्यूटर सिस्टम बिहेव इरेक्टिकली, कुछ वायरसेस क्या होते हैं अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कैसे बिहेव करते हैं बेटा, इरेक्टिकली, और प्रोग्राम्स को करप्ट करते हैं, फाइल्स को डिलीट करते हैं या फिर क्रैश कर देते हैं हमारे कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नाउ हाउ द कंप्यूटर वायरसेस गॉट दिस नेम। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर वायरसेस को नेम कैसे मिला, कंप्यूटर वायरस। लेट अस ड्रॉ एन एनालॉगी बिटवीन कंप्यूटर एंड बायोलॉजिकल वायरस। देखिए कोरोना वायरस क्या है, अपना एक बायोलॉजिकल वायरस है। अब हमारे जो कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर रही है उनको अपन ने वायरस नाम क्यों दिया, ये देखते हैं। अब बायोलॉजिकल वायरस डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ द बॉडी, बायोलॉजिकल वायरस क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। कोरोना वायरस क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तभी तो फीवर आता है, हेडेक होता है। सेम उसी तरह से जो हमारे कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं,
हमारा जो कंप्यूटर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब कंप्यूटर को वो कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे बेटा, मींस उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको अपन ने क्या बोला, कंप्यूटर वायरस बोला। और ये वायरस नेम कहाँ से आया, हमारा बायोलॉजी से आया है। तो अ बायोलॉजिकल वायरस डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ द बॉडी, लाइक वाइज अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज सीक्रेटली पुट ऑन टू अ कंप्यूटर, जो कि सीक्रेटली किसके अंदर रखा है, कंप्यूटर के अंदर रखा है। क्यों रखा है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन इट। किस लिए रखा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जो कि इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टोर्ड है उनको। नेक्स्ट आते हैं, लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस इट कैन फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट सेल्फ। अभी मैंने बताया था कोरोना वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनती जा रही हैं, इसीलिए इतना फैल चुका है, इतना स्प्रेड हो चुका है। इसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर वायरस होता है उसकी भी अपनी कॉपीज बनती जाती है। इट नीड्स सम अदर प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू लॉन्च। और किसकी नीड होती है इसको, प्रोग्राम की नीड होती है बेटा, डॉक्यूमेंट की नीड होती है लॉन्च करने के लिए। वंस इट इज़ रनिंग इट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट। अगर एक बार ये रन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे किसको, अदर प्रोग्राम को और डॉक्यूमेंट को। कब करेंगे ये इन्फेक्ट, जबकि एक बार रन होना स्टार्ट हो जाएंगे कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट, लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस यू डोंट रियलाइज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ अ कंप्यूटर वायरस अंटिल यूर कंप्यूटर हैज़ ऑलरेडी बीन अफेक्टेड। जैसे कि हम बायोलॉजिकल जो वायरस है उसको अपन रिलीज नहीं कर सकते जब तक उसकी प्रेजेंस है बॉडी में। देखो, एक बार कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इंटेक कर गया, टेक इन हो गया, तो अपन उसको कर सकते हैं क्या, रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही वो टेक आउट होता है हमारी बॉडी में से। सेम इसी तरह से कंप्यूटर वायरस जो होते हैं उनको भी अपन क्या नहीं कर सकते, रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर इज़ ऑलरेडी बीन अफेक्टेड, वो ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है। अब देखिए, हमें ये पता कैसे लगेगा हमारे कंप्यूटर में वायरस है, ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, यदि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है। ठीक है, वो चेक कैसे करते हैं अपन, लेटेस्ट और अपडेटेड वायरस चेकिंग प्रोग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ योर कंप्यूटर इज़ नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली इट इज़ गुड प्रैक्टिसेस टू चेक फॉर वायरस विथ अ लेटेस्ट एंड अपडेटेड वायरस चेकिंग प्रोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आई थिंक ये इतना पार्ट आज सबको क्लियर हो गया होगा कि वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, हाउ कैन वी रिलेट कंप्यूटर वायरस विद अ बायोलॉजिकल वायरस। नेक्स्ट आते हैं अपन, व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, वायरस क्या नहीं कर सकता है। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग टू सी व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय अ वायरस। अब देखिए, कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट राइट प्रोटेक्ट डिस्क। कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता बेटा, राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, डिस्क पे जो हम कुछ लिख रहे हैं, जो हम इन्फेक्ट कर रहे हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट को, उसको क्या नहीं कर सकता, इन्फेक्ट नहीं कर सकता। सीडी रोम्स को कभी इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, और इन्फेक्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट, और इन्फेक्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है उनको भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं, वायरस डू नॉट इन्फेक्ट कंप्रेस्ड फाइल। कोई हमारी जिप फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, उसको क्या नहीं करेगा, वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक कि फाइल वॉज इन्फेक्टेड पीरियड टू कंपेरिजन। अगर अपन ने इन्फेक्टेड पीरियड में फाइल को अनकम्प्रेस किया, मतलब कंप्रेजन किया उसका, तो वो उसको इन्फेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नो वायरस कैन डू अ फिजिकल डैमेज। वायरस क्या नहीं करेगा, कोई फिजिकल डैमेज नहीं करेगा कंप्यूटर के हार्डवेयर को, जैसे कि उसकी चिप्स को, उसके बोर्ड्स को, उसके मॉनिटर्स को। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं अपन, इन एडिशन मैकिंटोश वायरस डू नॉट इन्फेक्ट डॉस विंडोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, द मलेशिया वायरस ऑफ 1998 वर्कड ओनली ऑन विंडो बेस्ड मशीन्स एंड कुड नॉट ऑपरेट ऑन मैकिंटोश कंप्यूटर्स। अब देखिए, कुछ वायरसेस क्या होते हैं हमारे, जैसे कि इस टाइप के होते हैं, जैसे कोई विंडोज़ को करेगा, क्या करेगा विंडोज़ को, वायरस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कर पाएगा। इस तरह के भी वायरस होते हैं, देख लेते हैं अपन। डू यू नो, हमेशा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हुई होती है। देखिए, द फर्स्ट पीसी वायरस वॉज अ बूट सेक्टर वायरस। फर्स्ट पीसी वायरस कौन सा था बेटा, बूट सेक्टर वायरस था, जिसका नेम था ब्रेन। क्या था, ब्रेन। फर्स्ट वायरस का नेम क्या है, ब्रेन। रिलीज हुआ 1986 में बाय फरोक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर, पाकिस्तान। लाहौर में बना था फर्स्ट वायरस, जिसका नाम था ब्रेन। 1986 में फराक अलवी ब्रदर्स ने इनको बनाया था।
क्रीपर वॉज द फर्स्ट वायरस दैट वॉज डिटेक्टेड. क्रीपर फर्स्ट वायरस था जिसको डिटेक्ट किया गया था. इट वॉज डिटेक्टेड ऑन अर्पानेट. ये किसके पर डिटेक्ट हुआ था बेटा? अर्पानेट पर डिटेक्ट हुआ था इन द अर्ली 1970s में ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हो गया था. किस पर? अर्पानेट पर डिटेक्ट हुआ था. और ये फर्स्ट वायरस था जिसको कि डिटेक्ट किया गया था. और फर्स्ट पीसी वायरस कौन सा था? बूट सेक्टर वायरस, जिसका नेम क्या था? ब्रेन. पाकिस्तान के लाहौर में डेवलप हुआ था. फराक अलवी ब्रदर्स ने इसे डेवलप किया था. आई थिंक आज आपको इतना पार्ट क्लियर होगा कि वायरस क्या होते हैं और कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वायरस से अपन उसको कैसे रिलेट करते हैं, जिससे हमें पता लगे हमने उसको वायरस ही क्यों बोला, और वायरस क्या नहीं कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, अब ये फैलता कैसे है, तो ये अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ डज कंप्यूटर वायरस स्प्रेड. थैंक यू बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन फ्रेंड्स को, जिनके लिए ये यूज़फुल हो. अपने ऐसे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना जिनको कि वो यूज़फुल हो, वीडियो हेल्प मिले उन्हें स्टडीज़ में. सो थैंक यू.